जिन हाथों में माँ की तस्वीर देख रुक गए थे प्रधानमंत्री, जिस पोर्ट्रेट को देखने के लिए पीएम ने तोड़े थे सारे प्रोटोकॉल, उस तनु यादव को पीएम मोदी ने दिए हमेशा याद रखने वाले पल। जिसने अपने जीवन का एक एक पल अपने देश की जनता के नाम कर दिया, जनता के बीच रहकर जिसने संपर्क साधा, लोगों से मिला, हर एक स्वाद को, हर एक बात को याद रखा, जिस भी प्रदेश में गया वहां के इतिहास, भूगोल, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संदर्भों के बारे में अध्ययन किया, जिसे एक बार देख लिया फिर उसे कभी नहीं भूला, ऐसे ही तो हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें प्रधान सेवक बनकर देश की सेवा करते करते पूरे 8 साल बीत चुके हैं। और अपनी इस उपलब्धि को सेलिब्रेट करने पीएम मोदी मंगलवार को पहुंचे थे हिमाचल प्रदेश, जहां उनकी मुलाकात हुई थी अनु यादव से, जिसने पीएम मोदी की मां हीराबेन का स्केच बनाया था। पीएम मोदी ने काफिले को बीच में रोका था और फिर वो अनु के पास उनसे वो पोर्ट्रेट लेने गए थे। पीएम मोदी के इस जेस्चर से गदगद अनु ने इस पल को अपने लिए बेहद खास बताया। अनु ने कहा कि उन्होंने मेरे प्रयास को सराहा, प्रधानमंत्री की ये सराहना मुझे प्रेरणा देती है। अनु कहती है, पीएम मोदी देश के लिए काफी कुछ कर रहे हैं और इसलिए सोचा कि कुछ खास तोहफा पीएम को दिया जाए, क्योंकि पीएम के सबसे ज्यादा करीब उनकी माँ है और इसलिए उनकी तस्वीर भेंट की। रैली स्थल से पीएम मोदी जब वापस लौट रहे थे, तब अनु ने उनकी माता की बनाई हुई पेंटिंग उन्हें दी थी। अनु पीएम की मां की पेंटिंग के साथ कतार में खड़ी हो गई थी। अनु यादव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे हाथ में अपनी माता की तस्वीर देखी तो वो अपनी गाड़ी रोक कर नीचे उतर गए। पीएम मोदी ने अनु से नाम पूछा था और ये भी पूछा था कि उनकी माँ का स्केच अनु ने कितने दिन में बनाकर तैयार किया। खुद बनाती हो? कितने दिन में बनाए? अच्छा, कहाँ रहती हो? शिमला में। सर आपका भी बनाया बट वो डीसी सर की तरफ से आया। कोई बात नहीं। दरअसल मंगलवार को जब पीएम मोदी अपना कार्यक्रम खत्म कर लौट रहे थे, उसी दौरान उनकी नजर भीड़ में खड़ी एक लड़की पर पड़ी थी, जिसने अपने हाथों में उनकी मां का स्केच पकड़ा हुआ था। जब पीएम की नजर उस फोटो पर पड़ी तो उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और नीचे उतरकर भीड़ में खड़ी लड़की के पास पहुंचे थे। बाद में युवती ने स्केच पीएम को भेंट किया था। इस दौरान अनु ने पीएम मोदी के पैर भी छुए थे और इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था। हालांकि पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ जिस तरह से अनु से मुलाकात की, पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी पीएम मोदी कई बार अपने व्यवहार से विनम्रता का परिचय दे चुके हैं। इससे पहले पीएम मोदी का एक बच्चे के साथ भी वीडियो वायरल हुआ था, जो कि बर्लिन का था, जहां यूरोप के 3 दिवसीय दौरे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया था। पीएम मोदी ने बच्चों के साथ समय बिताया था। एक वीडियो भी शेयर किया गया था जिसमें पीएम मोदी बच्चों से प्यार से मिल रहे थे। एक बच्चे ने पीएम मोदी के स्वागत में एक देशभक्ति गीत गाया था जिसने उनका दिल जीत लिया था। सबका मैं ही ले लो ले लो। आप पीएम मोदी के इस व्यवहार को कैसे देखते हैं और इससे कितने प्रभावित होते हैं? आपको पीएम मोदी की इस सरलता कितनी भाती है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। क्या नाम बेटा? खुद बनाती हो? कितने दिन में बनाए? एक दिन में बनाया। अच्छा, कहाँ रहती हो? शिमला में। सर आपका भी बनाया बट वो डीसी सर की तरफ से आया। कोई बात नहीं।